कि अगर कहीं पहुंचने का सपना है तो उसके पीछे काम करो, और काम करते वक्त ऐसा मत सोचो कि बहुत कम इम्प्रूवमेंट हो रही है या फिर ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं रही है। जो थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, वही आगे जाके बहुत बेनिफिशियल होगा। बूंद बूंद से सागर बनता है कहते हैं ना, तो वही थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो रोज़, थोड़ा थोड़ा, मतलब जो आपने कल का आप जो लेवल था उससे थोड़ा लेवल अप करो, तो वही लेवल अप करते करते आप अपने एम तक पहुँच जाओगे बस। लेकिन एंड तक बने रहो, अगर चालू करा है तो एंड तक बने रहो, बीच में छोड़ो नहीं। Hello viewers, welcome to Acumen Gate Academy. In this video, we are going to talk about Pranshu, जिन्होंने IIS बेंगलुरु में MVLSI का इंटरव्यू क्लियर किया है with the All India rank of 337. So first of all, Pranshu, congrats for this achievement. Now what happened in आपका third year का attempt? थर्ड ईयर के अटेम्प्ट में वही है, मैंने आपके सारे रिवीजन सेशंस अच्छे से अटेंड करे थे, उससे मेरे एकदम कंसेप्ट अच्छे से मुझे याद आ गए थे और प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई थी। फिर मैंने गेट दिया तो उसमें मुझे 33 मार्क्स आए, तो क्वालिफाइंग मार्क्स से भी मुझे 3 मार्क्स ज़्यादा मिले थे, तो मैं ये खुश थी कि मेरा जो एम था क्वालिफाइंग मार्क्स का उससे भी मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिले। और फिर अब मुझे ऐसा हो गया था कि जेईई का जो एक डर था, क्योंकि मैंने जेईई दी थी उस पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है और बहुत, मतलब उसमें फेलियर मैंने देखा हुआ था, तो मुझे उसका डर निकल गया कि अब ये भी नेशनल लेवल एग्जाम है, इस पे मैंने 50% मेहनत से 50% कंसेप्ट से अगर मैं क्वालिफाई कर पा रही हूँ तो मैं IIT जा सकती हूँ। जो आप जी बताया कि मोटिवेशन आ गया, आपका क्वालिफाई भी हो गए, बट क्या उसके बाद भी चीजें आसान थी या स्मूथ थी? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं थी, बिल्कुल, बिकॉज़ आई कुड नॉट रिमेंबर कि हाँ चीजें आसान थी। बिल्कुल आसान नहीं थी, बहुत अप्स एंड डाउन आए थे। और फिर ऐसा हो गया था कि फोर्थ ईयर में जैसे प्लेसमेंट चालू होती है और प्रोजेक्ट करना होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा लोड आ गया था कि प्रोजेक्ट भी करना है, प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर करनी है, कॉलेज एग्जाम्स तो है ही, साथ में गेट की प्रिपरेशन भी रखनी है, तो बहुत सारी चीज़ें साथ में आ गई थी। तो बैकअप ऑप्शन की तरह मैंने एक जॉब लेने का सोच लिया था, पर मेरा मेन एम तो वो था ही नहीं, तो मुझे ऐसा था कि जो भी मुझे जॉब पहले मिल रही है इन द फर्स्ट फेज वही मैं लेकर के उसको सिक्योर कर लूँगी। तो फिर मुझे याद है कि मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था मैट्रिक्स का, मैंने उसी में ही वही मेरा क्लियर हो गया था और उस पर मुझे जॉब मिल गई थी। तो मतलब मेरा ऐसा था कि एक फोकस, एक जो मेरा वरी था वो मैंने बाजू में रख दिया था कंप्लीट करके, कि अब मेरे पास उतना काम कम है, तो प्लेसमेंट वहाँ पर ख़त्म हो गया था। फिर आया प्रोजेक्ट का लोड, तो प्रोजेक्ट के लोड में मैंने सोचा था कि वीकली हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं, मतलब हाफ टाइम अगर मैं गेट को दे रही हूँ, हाफ डेज अगर मैं गेट प्रिपरेशन में दे रही हूँ, तो बाकी का हाफ टाइम मैं मेरे प्रोजेक्ट में दूंगी। और लकीली ऐसा था कि मेरा जो प्रोजेक्ट पार्टनर थी, जो मेरी फ्रेंड थी, वो भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो हम दोनों ने कोऑर्डिनेट कर करके फिर ऐसा कर लिया था कि इतने दिन हम गेट की प्रिपरेशन करेंगे और इतने दिन हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो ऐसे करके प्रोजेक्ट का लोड भी थोड़ा हमने कम कर दिया। और उसमें ऐसा था कि हमारा प्रोजेक्ट, मतलब हमें ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से ही एकदम फुल मेहनत करनी है, स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा काम करना है और फिर लास्ट में बैठ करके एक साथ हम पूरी मेहनत कर लेंगे, हमने ऐसा डिसाइड किया था। तो उससे फिर मेरा फिर से गेट पर फोकस आया, बट बहुत डिस्ट्रैक्शन आया उस टाइम पर, क्योंकि प्लेसमेंट आ गई थी, तो फिर ऐसा था कि अब जॉब तो हाथ में है, तो फिर अब मैं आगे और क्यों मेहनत करूँ इतनी। पर फिर तब मुझे याद है कि मैं आपके पास भी ये बात लेके आई थी कि सर अब मुझे ऐसा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है कि मेरे को जॉब हाथ में है, मैं क्यों पढ़ाई करूँ। तब आपने, हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे बात कर रही थी, पृथ्वीराज था जो IISc में था ऑलरेडी, प्रामाणिक है जो IIT बॉम्बे में है, जय शर्मा है IIT बॉम्बे में, आदित्य भैया है IIT मद्रास में, तो आपने उनसे बात करवाई, तब फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये जॉब कुछ भी नहीं है, मुझे एक्चुअली मेरा IIT ही है और मुझे वही कंटिन्यू करना है। तो उससे फिर मेरा फोकस फिर से ऑन ट्रैक आया। थर्ड ईयर का अटेम्प्ट करने के बाद जो हमारा पहला सब्जेक्ट था डिवाइसेस था, मुझे अभी भी याद है कि डिवाइसेस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई प्रिपरेशन, क्योंकि डिवाइसेस सब्जेक्ट हमने वेकेशन में प्रिपेयर किया था और उसमें ऐसा था कि हम पूरा पूरा दिन बैठ रहे थे कंटिन्यूअसली, जैसे सुबह में बैठे तो शाम को ही सीधा उठे, बीच में लंच ब्रेक के लिए बीच में से ब्रेक लिया, तो और वो एक सब्जेक्ट था जिसने मेरे दिल को छू लिया था, क्योंकि उसको हमने इतना अच्छे से, इतना डीप में, इतना डिस्कशन करके पढ़ा था, एकदम कंसेप्ट के अंदर अंदर तक खोद खोद के गए थे कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हमारे इतने डिस्कशंस हुए थे, इतने आर्ग्यूमेंट्स हुए थे कि सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब वो एक सब्जेक्ट ऐसा था कि ऐसा लग नहीं था कि आप पढ़ा रहे हो, ऐसा लग रहा था कि म्यूचुअल डिस्कशन हो रहा है, आपने कुछ बोला, हमने कुछ बोला, और ऐसे करके हमने पूरा सब्जेक्ट सीखा था।
तो वो सब्जेक्ट मेरा इतना स्ट्रांग हो गया था, इतना हमने डीप पे पढ़ा था, इतना क्लियर हो गया था कि मेरे को वो लग रहा था कि अब मुझे फिर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. वो कंसेप्ट, वो सब्जेक्ट मेरा पूरा दिमाग में बैठ गया था. और फिर अब मुझे ऐसा था कि जैसे मैंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट करा है वैसे ही मुझे मेरे बाकी के सब्जेक्ट्स भी क्लियर करने हैं, एकदम स्ट्रांग पॉइंट में मेरे लाइन देने हैं. तो फिर वो मोटिवेशन के साथ मैंने चालू किया था शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि मेरे को पता था प्रीवियस टाइम मेरे को प्रॉब्लम हुई थी कि पूरा पूरा पढ़ना पड़ रहा था मुझे. तो इसीलिए मेरे को ऐसा था कि अब मैं पहले शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ. तो अगर मैंने एक बार शॉर्ट नोट्स बना लिए तो फिर मुझे कंसेप्ट रिकॉल करने में एकदम इजी होगा. हाँ, तो फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने चालू करे थे. और शॉर्ट नोट्स के साथ मेरा ऐसा हो गया था कि सपोज ऐसे एक मैंने कोई सब्जेक्ट उठाया, जैसे मैंने डिवाइसेस उठाया, सॉरी कंट्रोल सब्जेक्ट उठाया मैंने, तो कंट्रोल उठाया तो उसके पहले पूरा आपके क्लास नोट्स पढ़ो, उसी से शॉर्ट नोट्स बनाओ और फिर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो गया. तो फिर उसी के ही हमारे पास टेस्ट सीरीज थी, एस की टेस्ट सीरीज थी एट दैट टाइम, तो उसी के ही टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वो सब अटेम्प्ट करो. तो मतलब एक पूरा सब्जेक्ट खत्म करके रख देना था. ओके. और उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चल रहे थे, तो वो था. और फिर तब मैंने ऐसा भी सोचा था, तब मेरा ऐसा भी एम था कि मैं इसके साथ साथ जो मैंने असाइनमेंट्स ऑलरेडी एक सब्जेक्ट पढ़ते वक्त दिए थे उन्हीं को ही मैं फिर से गो थ्रू करूँगी, उसमें जो मेरी गलतियाँ थी वो मैं पॉइंट आउट करूँ. तो ऐसे कर करके मैंने सारे सब्जेक्ट्स की शॉर्ट नोट्स बना ली थी और एस के मोस्ट ऑफ द टेस्ट मैंने दे दिए थे, टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मेरे खत्म हो गए. ओके. एंड जो भी सब्जेक्ट्स आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दिए थे या तो फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए थे, उसमें कुछ आपका पैटर्न था एनालिसिस का या तो फिर आपने जस्ट दिया मार्क्स देखे दैट्स इट? नहीं, एक्चुअली तब हमें ऐसा हो गया था कि जैसे मैंने बताया था मैंने सीनियर से भी बात करी थी, तो उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि आप जितने भी टेस्ट दो उनको एनालाइज करना अच्छे से. तो आपने हमें बताया था कि एनालिसिस में हमें पहले मतलब मैंने दो सेक्शन बना लिए थे कि एक था अनअटेम्प्टेड का सेक्शन और एक था रॉन्ग का सेक्शन. तो मतलब सपोज एक टेस्ट खत्म हुआ तो उसी में ही मैं क्या करती थी, पहले मैं जो क्वेश्चन गलत हुए तो पहला क्वेश्चन गलत हुआ वो कौन से टॉपिक का था मैं वो लिखती थी, फिर वो गलत क्यों हुआ, क्या मेरा कंसेप्ट वीक था या फिर मेरा कोई सिली मिस्टेक हुआ था या फिर फॉर्मूला अटेम्प्टिंग, वो कैसा एरर था, विच टाइप ऑफ एरर, वो लिखने का. और फिर अगर वो फंडामेंटल मतलब कंसेप्चुअल एरर हो तो वहीं पर ही बाजू में कंसेप्ट ही करेक्ट कंसेप्ट लिख देने का, कि पहले रॉन्ग कंसेप्ट लिखने का कि ये कंसेप्ट रॉन्ग है और फिर करेक्ट कंसेप्ट लिखने का. तो ऐसे करके मैंने रॉन्ग क्वेश्चंस और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को मैं एनालाइज करती थी. ओके. और फिर ऐसा हो गया था कि अभी अगर सपोज नेक्स्ट टेस्ट दे रहे हैं तो उसके पहले वो पूरा टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसमें बाजू में जो तुमने कंसेप्ट गलत लिखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेने का. क्योंकि तब मुझे याद है अगर बहुत ही बहुत कम टाइम लगता था, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन होते थे जो गलत होते थे और जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन होते थे उनका सिर्फ मुझे कंसेप्ट ही पढ़ना है, दो दो लाइन का कंसेप्ट होता था तो वो बहुत जल्दी हो जाता था. तो मैंने इस तरीके से एनालिसिस चालू किया था और ये एनालिसिस मुझे एंड तक बहुत हेल्पफुल रहा था. सो इफ आई रिमेम्बर प्रांशु कि आपके जो कॉलेज का एग्जाम था वो दिसंबर में ही खत्म हुआ था, है ना? और एग्जाम के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 40 डेज थे. तो उसके बाद एग्जाम के बाद, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो कॉलेज का तो एक जोन में होते हो, गेट के एग्जाम के लिए एक अलग जोन में आना होता है, तो फिर वो स्विच में क्या हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, नहीं हुआ था, क्या था? वो ऐसा हो गया था कि अगर कॉलेज एग्जाम खत्म हुई थी उसके बाद मैं गेट का अगर बुक खोल के बैठी तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था. मतलब कंसेप्ट याद आ रहे थे बट जितने डीपली याद आने चाहिए उतने डीपली याद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो जोन से मैं पूरा निकल गई थी. तो मुझे याद है आपने कहा था कि एक काम कर, एक दिन बैठ के फुल सब्जेक्ट टेस्ट दे दे, जितना तू प्रिपेयर कर पा रही है उतना तू रिवाइज कर और बाकी बिंदास होके एक फुल सब्जेक्ट टेस्ट दे दे, फुल लेंथ टेस्ट, सॉरी फुल लेंथ टेस्ट दे दे, उससे आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है. तो मैंने बैठ के टेस्ट दिया था, पूरे 3 घंटे बैठ के टेस्ट दिया, उसमें से क्वेश्चन सॉल्विंग सिर्फ 1.5 घंटा ही हुआ था, उससे ज्यादा मेरे से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे. तो फिर भी ट्राई करते गए, कुछ अलग अलग तरीकों से ट्राई किया, कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ऐसे करके 3 घंटे खत्म करें. और फिर मार्क्स बने थे 17 या 18 मार्क्स बने थे. तो तब ऐसे हो गया था कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया ऐसा. पर फिर ऐसा था कि उसका फिर मैंने वो टेस्ट का एनालिसिस करा तो तब आइडिया आया कि अब मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले रिवाइज करना है, कौन सा मुझे इजीली याद आ जा रहा है, किस में मुझे ज्यादा डीप में जा करके और पढ़ने की जरूरत है. फिर धीरे धीरे चालू किया, फिर से सब्जेक्ट्स रिवाइज करे, फिर से कुछ कुछ कंसेप्ट डीप में गए, फिर से कुछ कुछ डाउट्स आए तो आपके साथ बैठे और बहुत सारा डिस्कशन हुआ,
फिर धीरे 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 वो जोन में वापस आए और फिर शेड्यूल ही बन गया था कि सुबह उठो 8 बजे यहाँ पर आ जाओ सेंटर पे, पढ़ाई करो, 11 बजे ब्रेक लो, 11 बजे ब्रेक ली, 11:30 बजे फिर से बैठो, फिर सीधा लंच की ब्रेक लो, लंच ब्रेक के बाद फिर मेरा ऐसा हो गया था कि लंच ब्रेक से पहले मेरे से क्वेश्चन अच्छे से होते थे बट फिर आफ्टर लंच मेरे से क्वेश्चन नहीं होते थे, मुझे बहुत नींद आती थी। तो फिर मैं सोच रहा कि अब लंच के बाद मैं आपको ही पकड़ूंगी और बैठ के सारे डाउट्स क्लियर करूंगी क्योंकि बातें करते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फिर ऐसा था कि लंच ब्रेक के बाद थोड़ी देर बैठ के डाउट सॉल्व करो सारे और फिर रात को फिर से रिवाइज करो या फिर डाउट्स करो कुछ भी। बट आई गेस इनिशियल एक आधा हफ्ता ही था बिकॉज एक आधा हफ्ते बाद तो फिर इन लोगों ने टेस्ट देना शुरू कर दिया था, फुल लेंथ टेस्ट। तो जो व्यूअर्स हैं उनको एक चीज़ यहाँ सीखनी है ये कि जनरली ये होता है कि अगर हमने फुल लेंथ टेस्ट दिया एस का हो या मिड ईसी का हो तो पहले टेस्ट में हमारे मार्क्स आते हैं 17, 18, 19, 20 एंड व्हाट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं ना एस्पिरेंट्स वहीं पे गिव कर देते हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं हो पाएगा छोड़ दे एंड मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं, इतना 2 साल मेहनत किया उसके बाद भी कितना आ रहे हैं 18 मार्क्स आ रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज नो नीड टू गिव अप फ्रॉम दैट पॉइंट बिकॉज एज यू आर प्रिपेयर्ड कहीं ना कहीं इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज अगर आपने वो दिन निकाल लिए मगर पढ़ते हुए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही निकाल दिए, अगर पढ़ रहे हो एफर्ट्स लगा रहे हो तो अगेन यू कैन बाउंस बैक राइट। और कहीं ना कहीं वही काम होता है हम जैसे मेंटर्स का। सो उसके बाद फिर क्या शुरू हुआ लाइक आई रिकलेक्ट कि आपने और अपूर्वी दोनों ने ऑल्टरनेट डे पे हर रोज टेस्ट दिया था एंड आई थिंक अविश ऑल्सो जॉइंड बोथ ऑफ यू, तो वो कहानी थोड़ा बताइए। हमारा ऐसा हो गया था कि अब हमारे पास एस के जो फुल लेंथ टेस्ट थे वो पड़े हुए थे, उसमें कुछ 40 जैसे टेस्ट थे, 40 या 35 कुछ टेस्ट थे, उसमें हमने सोचा था कि इसको अब अभी हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो हमने सोचा था कि अगली अल्टरनेट डे अटेम्प्ट करेंगे कि अगर रेगुलर अटेम्प्ट करते तो फिर पढ़ने का बीच में टाइम नहीं मिलता। तो हमारा ऐसा कहते कि जिस दिन टेस्ट दे रहे हैं उस दिन सुबह बैठ करके जितने भी पहले के टेस्ट के जो कंसेप्ट गलत हुए थे जाने से सब वो सब देखो, उसके बाद जो तुम्हारे सब्जेक्ट जैसे डिफिकल्ट लगे, जैसे मेरे को नेटवर्क्स बहुत डिफिकल्ट लगता था तो मैं वो हर टेस्ट के पहले बैठ के अच्छे से पढ़ती थी। तो जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहे हैं वो पढ़ो, दोपहर को टेस्ट दो, फिर उसके बाद एनालाइज करो 2-3 घंटा और फिर रात तक बैठ के डाउट सॉल्व करो। तो एक दिन पूरा टेस्ट में ही जाता था और फिर दूसरा दिन जो मिडल होता था उसमें फिर पता चलता था कि पिछले टेस्ट में पता चला कि ये वाला कंसेप्ट अभी भी वीक है, ये वाला सब्जेक्ट अभी भी वीक है, तो उसको पूरा रिवाइज करो अच्छे से, उसके कंसेप्ट क्लियर करो। तो वो पॉइंट ऐसा गया था कि बस अपने कंसेप्ट जो है उसको फिर से अप्लाई करते जाओ, चेक करो कौन सा कंसेप्ट अभी भी वीक है उसको स्ट्रांग करो अपने, मतलब जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रांग बनाओ और जो स्ट्रांग है उनको स्ट्रांगर बनाओ। तो वही फेज आ गया था उसके बाद और फिर हम बस टेस्ट देते गए, प्रैक्टिस करते गए, टेस्ट देते गए। उसमें भी बहुत ऐसा हुआ था कि कुछ टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे और कुछ टेस्ट में एकदम खराब मार्क्स आते थे, तो सर बोलते थे एकदम बकवास टेस्ट था छोड़ दे तेरी गलती नहीं है। सर जैसे ही मार्क्स पूछे और मार्क्स खराब हो तेरी गलती नहीं है पेपर ही बकवास था। मिनिमम स्टूडेंट क्या था कहाँ से आपने 17-18 चालू किया था उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहे थे फिर भी, लेकिन 40 मेरा जो पहुंचा था 40 पहुंचते पहुंचते 2 हफ्ते और लग गए थे और फिर एक बार अगर 40 रीच हो गया था उसके बाद ऐसा कि अब 40 से नीचे नहीं जाना है। फिर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया, मैक्सिमम मेरा जो गया था आई थिंक 48 या 49 गया था, उससे ज्यादा मेरे मार्क्स नहीं गए थे। और गेट में कितने स्कोर था आपका? गेट में स्कोर है 700 और मार्क्स है 58। तो वो भी मतलब ऐसा ही था कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो करते थे वो हो जाते थे और फिर गेट का भी ऐसा था कि पूरा एक पेपर बैठ के लिखना है, तो वो पेपर भी लिखा था उसमें भी मेरे 50-52 ही गए थे। बट एस के जो टेस्ट थे और मेड ईजी के जो टेस्ट थे जिसमें एक्चुअली कंसेप्ट अप्लाई हो रहे थे उसमें मेरे इतने मार्क्स बन नहीं रहे थे। तो तब भी थोड़ा ऐसा हो रहा था कि यार इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ रोज टेस्ट, मतलब बार बार टेस्ट दे रही हूँ, एनालाइज कर रही हूँ बार 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 कंसेप्ट रिवाइज कर रही हूँ, तो भी बढ़ नहीं रहा है। तो फिर आप कहते थे कि तुम मेहनत करती जब फल मिलेगा, मेहनत करती जब फल मिलेगा, तो बस वही बात करते गए मतलब। और फिर ग्रुप भी अच्छा था, जैसे मेरा और अपूर्व और अविश का जैसे सब ग्रुप हो गया था कि हम साथ में बैठ के टेस्ट देते थे, खत्म होता था एनालाइज करते थे और फिर आप डाउट सॉल्व करना है, इससे पहले हमारे आपस में ही बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। पीयर सपोर्ट था तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ, वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर था कि हम साथ में बैठ के बातें करते थे तो ऐसा मुझे लगता था कि ठीक है मेरे को अकेले प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बाकी दोनों को भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये बहुत कॉमन है, ये सब धीरे धीरे ओवरकम हम कर लेंगे। तो ऐसा सपोर्ट मिलता गया और फिर बस मेहनत करते गए और फिर मार्क्स आ गए।
सो जो जूनियर्स हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा है कि वो जज करेंगे अपने आप को, हाँ. जब फुल लेंथ देंगे एंड असाइनमेंट्स देंगे तो फिर कम मार्क्स आते हैं, तो व्हाट वाज देयर इन व्हाट वर यू थिंकिंग व्हेन यू वर गेटिंग लो मार्क्स योर लो स्कोर्स? लो मार्क्स आते थे तो पहले तो मैं भी खुद को ऐसा ही बोलती थी कि तू देख, पहले तूने जो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट तूने अच्छे से अप्लाई करे तो तेरी गलती नहीं है. तो मतलब फिर मैं वैसे ही करती थी कि जो मेरे सब्जेक्ट्स वीक थे, जैसे नेटवर्क्स वीक था और EMT तो उस टाइम पे थोड़ा वीक हो गया था, तो फिर मैं उनके ही क्वेश्चन ढूंढती थी कि हाँ ये वाले क्वेश्चन से इनको जैसे मेरे मैक्सिमम मार्क्स गए, बाकी सब जो है उस पर तो वो डेवलप कर सकती है, धीरे धीरे तेरा डेवलप हो सकता है. और फिर वही था कि मैं डिवाइसेस का एग्जाम्पल लेती थी कि अगर डिवाइसेस तो इतना स्ट्रांग कर सकती है तो फिर वैसे ही बाकी सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे. तो ऐसे करके फिर बस हो जाएंगे करते करते गए और फिर हो गया. तो वो 3 घंटे फिर क्या चल रहा था जब आप एग्जाम हॉल के अंदर थे? बिकॉज ये आपका फाइनल अटेम्प्ट था एंड यू ऑल्सो वेंट देयर विद एक्सपेक्टेशंस, तो क्या चल रहा था? तो सर वो 3 घंटों की तो बात में करते हैं, पहले तो वो दिन की बात करते हैं क्योंकि हमारा आफ्टरनून शिफ्ट था. तो मुझे याद है मैं सुबह से बैठ के सब सब्जेक्ट रिवाइज कर रही हूँ, कोई भी डाउट आ रहा है सर को फोन लगाओ, सर इसका क्या था, सर इसका क्या था, सर ये कैसे करते थे. फिर मतलब सर आपने भी ऐसे बोली ना कि इतना टेंशन मत ले, हो जाएगा. बहुत सारा हमारा उसी दिन शायद हम देखे तो 10-12 फोन हो गए होंगे सुबह से दोपहर में. मतलब वही एकदम तभी प्रेशर था कि मेरे को याद नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है. बट फिर आपसे बात करा, आपने थोड़ा समझाया, ऐसा था वैसा था, तो सब याद आया. फिर थोड़ा मतलब तब तक फिर मेरा थोड़ा बन गया था कि कॉन्फिडेंस बन गया था कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ करके. और फिर जब एग्जामिनेशन का टाइम आया तब तो फिर ऐसा हो गया था कि मैं बैठे से पहले मैं डिसाइड कर लिया था कि ये गेट की एग्जाम नहीं है, ये मेरा फुल लेंथ टेस्ट है. मैं सुभानपुरा सेंटर पे बैठ करके फुल लेंथ टेस्ट लिख रही हूँ, वही जोन में बैठ करके टेस्ट लिखना है. तो फिर एक बार जब वो क्वेश्चंस लोड हुए फिर ऐसा दिमाग में आया ही नहीं कि ये गेट का एग्जाम है, फाइनल अटेम्प्ट है. फिर बस ऐसा कि क्वेश्चन आया, अटेम्प्ट करो आगे बढ़ो. तो बस वही फिर मैं भूल गई थी कि ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट है. मेरे को ऐसा था कि बस ये मेरा एक फुल लेंथ टेस्ट है, मुझे इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना. तो कहीं ना कहीं वो जो आपने एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया था फ्रॉम लास्ट 30-40 डेज, इट हैज हेल्प्ड यू. हां वो एक्चुअली उससे बहुत हेल्प किया, बिकॉज यहाँ पर बैठ के आदत हो गई थी कि आराम से बैठ के सॉल्व करो, 3 घंटे है, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे. और तब भी मतलब क्वेश्चंस करते वक्त यहाँ पर भी मेरा ऐसे ही था कि एक क्वेश्चन हुआ वेरी गुड, आगे बढ़ो. अगर एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर वो क्वेश्चन को भूल जाओ, अगर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो क्वेश्चन को वहीं पर ही छोड़ दो और अगले क्वेश्चन पे अपना फिर से फुल अटेम्प्ट करो. तो वही प्रैक्टिस जो हो गई थी बहुत टाइम से, वही फिर वहां पर भी लग रही थी. और लिटरली मेरे को फिर एंड में जब एंड के 30 मिनट्स बाकी तब मुझे लग रहा था कि एंड के 30 मिनट्स में सिर्फ एप्टीट्यूड बाकी था, टेक्निकल मेरा हो गया था. तब मुझे लगा कि अच्छा ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट था, मैंने फाइनल अटेम्प्ट में इतने अच्छे से कर दिए क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो गए. फिर मैंने एप्टीट्यूड आराम से सॉल्व करा और फिर से वापस वो क्वेश्चन रिवाइज करे. सो फाइनली जो हमारा ड्रीम था, जो प्रांशु का ड्रीम था कि 700 स्कोर आना चाहिए इन गेट, वो तो उसका आ ही गया. एंड मुझे याद है कि हाँ वो एक हफ्ता वो पूरा चिल कर रही थी. सो इट हैपन्स कि क्या कुछ चीज़ के पीछे पड़े हो और 2-2.5 साल से पड़े हो एंड व्हेन यू गेट इट यू आर रियली एक्साइटेड एंड यू रियली हैप्पी. आप तो छोड़ो, आपके साथ जो फैमिली मेम्बर्स और जो आपके मेंटर्स भी होते हैं ना वो काफ़ी खुश होते हैं. सो प्रांशु, एनी अदर लाइक मैसेज विच यू वांट टू पास ऑन टू दिस टू जूनियर्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैसेज बस ये देना चाहूँगी कि अगर कहीं पहुँचने का सपना है तो उसके पीछे काम करो. और काम करते वक्त ऐसा मत सोचो कि बहुत कम इम्प्रूवमेंट हो रही है या फिर ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं रही है. जो थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, वही आगे जाके बहुत बेनिफिशियल होगा. बूंद बूंद से सागर बनता है कहते हैं ना, तो वही थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो रोज़ थोड़ा थोड़ा. मतलब जो आपने कल का आप जो लेवल था उससे थोड़ा लेवल अप करो, तो वही लेवल अप करते करते आप अपने एम तक पहुँच जाओ बस. लेकिन एंड तक बने रहो, अगर चालू करा है तो एंड तक बने रहो, बीच में छोड़ो नहीं. यही मेरा मैसेज है. सो अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आप में काफ़ी पेशेंस है एंड यू आर रियली गेट एस्पिरेंट. आपको कुछ भी ऐसा कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई और प्रांशु वुड बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन एंड आई होप ये वीडियो ने आपको काफ़ी इंस्पिरेशन एंड एक स्ट्रेटजी भी दिया होगा कि कैसे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को या टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं. सो जुड़े रहिए एंड तक विथ योर प्रिपरेशन. बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. कैसे प्रांशु ने 337 रैंक पे IISc MVLSI क्रैक किया
इसका वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएगा। सो जुड़े रहिए एक्यूमेंट गेट अकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम, मिलते हैं इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।